द इंटीरियर ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4.3 मीटर एंड हाइट 3.8 मीटर. द इंटीरियर ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4.3 मीटर एंड हाइट 3.8 मीटर सरमाउंटेड बाई ए कोन हूज वर्टिकल एंगल इज राइट एंगल. ये एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री का. तो आधा कितना हो जाएगा ये? 45. फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग. इस बिल्डिंग का सरफेस एरिया पूछा और वॉल्यूम है. देखना ये कितना हो जाएगा? 4.3 बाई 2 हो जाएगा. आर हो जाएगा 4.3 बाई 2. ठीक है. अब ये हाइट निकालनी है और स्लेंट हाइट निकालनी है. अगर हम इस ट्राइंगल में ए बी सी में 1045 यूज करें, एंड ट्राइंगल ए बी सी में 1045, तो परपेंडिकुलर बी सी अपॉन बेस ए बी 1045 होता है 1. बी सी कितना है? 4.3 अपॉन 2. तो ए बी और बी सी बराबर हो गए 1. अब ये ए सी निकालना है तो यहाँ क्या यूज़ कर ले? साइन 45 परपेंडिकुलर बी सी अपॉन हाइपोटन्यूज ए सी. साइन 45 इज 1/√2. बी सी कितना है? बी सी रहने दो फिलहाल. तो ए सी इज इक्वल टू कितना जगह? बी सी रूट टू. और बी सी की वैल्यू कितनी है? 4.3 अपॉन 2 और ए सी आ गया. अब हमसे पूछा क्या है? सरफेस एरिया. जो सरफेस एरिया आएगा वो क्या है? पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा? पाई आर एल एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRh. पाई आर कितना है हमारे पास? 4.3 अपॉन 2. एल कितना आ रहा है? ए सी यानी कि 4.3 अपॉन 2√2 प्लस 2π. कैपिटल आर कितना है? 4.3 अपॉन 2. और एच कितना है हमारे पास? 3.8. ठीक है. तो ये वाली वैल्यू तो निकल के आ जाएगी. क्या इसका सरफेस एरिया? कैलकुलेशन अपने आप कर लेना. आगे क्या है उन्होंने? वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग. वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग है कि वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. इसमें से हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं. ये आएगा एच अपॉन 3 प्लस एच पाई. आर कितना हमारे पास? 4.3/2. तो 4.3/2 का स्क्वायर स्मॉल एच. जो स्मॉल एच आएगा वो क्या होगा? ए बी के बराबर होगा. ए बी आ रहा 4.3/2 और ये 3. और एच कितना है हमारे पास? 3.8. ठीक है. देखो सारी वैल्यूज पता है हमें. यहाँ से क्या निकल आएगा? वॉल्यूम निकल आएगा. कैलकुलेट करना अपने आप. जो डायमेंशन है बहुत गंदी सी दे रखी है, इसमें कैलकुलेशन बड़ी पड़ रही है.